इंडी अगाड़ी की सरकार में याकूब मेमन की कब्र संवारी जाती है और इंडी अगाड़ी में राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया जाता है। राम मंदिर के लिए आए दिन अपमानजनक भाषा बोली जाती है। मैं जरा महाराष्ट्र के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको यह स्वीकार है? आपको ऐसे पाप स्वीकार है? क्या आप इंडिया गाड़ी वालों को इस बार इस चुनाव में सजा देंगे कि नहीं देंगे? ऐसी सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए कि ऐसा पाप करने की हिम्मत न रहे। साथियों, और अभी शिंदे जी बता के गए कि 93 के बम ब्लास्ट के गुनहगार नकली शिवसेना के लिए प्रचार कर रहे हैं, बताओ इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? साथियों, 20 मई को आपको सशक्त और विकसित भारत के लिए वोट देना है। 20 मई को आपको तुष्टीकरण के खिलाफ वोट देना है। कल्याण से एनडीए प्रत्याशी भाई श्रीकांत शिंदे जी और भिवंडी से भाजपा प्रत्याशी श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, इनको दिया गया आपका हर वोट मोदी को मजबूत करेगा। और जब आप उनके लिए मतदान के लिए बटन दबाएंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। कपिल पाटिल ने मेरे साथ सरकार में भी काम किया है, ये हमेशा इस क्षेत्र के विकास के लिए सजग रहते हैं। मेरा अनुरोध है मेरे इन दोनों साथियों को भारी मतों से विजयी बनाइए।